नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को दबाइए ताकि कोई से भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए दोस्तों, ये चौलाई है, चौलाई का साग, और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो आज इसका हम साग बनाएंगे, काट लेते हैं और फिर इसको बनाते हैं। फिर में हरे पत्तों की सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है दोस्तों, तो आज हम इसका साग बनाएंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया होता है ये, और बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से बनती है और खाने में बड़ा स्वाद आता है इसका। ये सारे साग हम ऐसे पकड़ लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे ठीक ठीक जो है साफ साफ, और साफ साफ साग सारे हम ऐसे करके, और दोस्तों इसको काटेंगे और काट के आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने सारा साग ऐसे पकड़ के और इसको ऐसे काट लेने हैं, इसको काट के फिर आपको दिखाते हैं बनाने कैसे हम बनाते हैं साग, और ये बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, मैंने सारा साग ये काट लिया और काट के मैंने ये रख लिया, इसको धो लेंगे हम, तो क्या बनाते हैं। और इसमें डालने के लिए हमने साग, चौलाई का साग बनाने के लिए, देखिए मैंने प्याज छील के काट लिया, मैंने लहसुन छील के काट लिया, मैंने ये मिर्च काट लिया, मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपको तीखा पसंद हो। तो दोस्तों देखिए, और हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने गैस पर चढ़ा दिया कढ़ाई और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। देखिए मैंने सरसों का तेल डाल दिया, अब तेल गर्म हो जाए अच्छी तरह, तो इसमें हम तड़का लगाते हैं। तो दोस्तों तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा हमारा चटक जाए, फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन प्याज। तो दोस्तों जीरा हो गया, चटक गया, अब इसमें लहसुन डालेंगे। तो लहसुन हो गया दोस्तों, अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं कटी हुई। इसको भूरे रंग होने तक पका लेते हैं, ब्राउन कलर हो जाए। दोस्तों देखिए, प्याज का कलर थोड़ा भूरे हो गया, तो इसमें हम कटी हुई मिर्च डाल देते हैं, और इसको थोड़ा पका लेते हैं मिर्च को भी। तो देखिए दोस्तों, ये अब खोल के देखते हैं हम साग को। तो ये देखिए, ये पानी इसका होने लगा, गलने लगा, अब इसमें हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। दोस्तों इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, और मिला देते हैं अच्छी तरह। तो दोस्तों ये बनता बहुत सिंपल तरीके से, बड़ा आसान है साग बनाना ये, और इसमें खाने में भी अच्छा है हमारे शरीर के लिए, तो इसमें पौष्टिक होता है, बहुत बढ़िया होता है ये। तो इसे बना लेने हैं, अब इसको हम ढकेंगे पकाने के लिए, ढक देते हैं इसको और पका लेते हैं थोड़ी देर। दोस्तों देखते हैं हमारा साग पक गया कि नहीं। देखिए दोस्तों, साग हमारा बन गया, पक गया है, गैस हम बंद कर देते हैं। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।